एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन मिलेगा लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, कांग्रेस अध्यक्ष जी, सोनिया जी, राहुल जी ने और दूसरी जरूरी बैठक से निकलकर यहां आए हैं आपको संबोधित करने के लिए। उनको उस बैठक में वापस लौट जाना है। आपके सवाल हमारे कोषाध्यक्ष विस्तार से जवाब देंगे। मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया जी और राहुल जी को शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। नो, वन सेकेंड, लुक, वन सेकेंड, लुक, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट फ्रीजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टीज बैंक अकाउंट्स। दिस इज द फ्रीजिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, सो वी आर अनेबल एज द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, वी आर अनेबल टू टेक एनी एक्शन। There is no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? Thank you. तो कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने को लोकतंत्र का खात्मा बताया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर खाता बंद हो मतलब भूखे मर जाएंगे और बीजेपी के इशारे पर यह कवायद की गई है और कांग्रेस को चुनाव में प्रचार ना करने देने की यह पूरी साजिश है। आगे राहुल गांधी ने कहा, 14 लाख का मामला जिसमें 200 करोड़ जुर्माना, हमारे खिलाफ आपराधिक साजिश है और कोई भी संस्थाएं कुछ बोल नहीं रही हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं।
हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं,